जय श्रीमन्नारायण मित्रों महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय में भावेश फलाध्याय की चर्चा करते हैं और इसमें आज तक हमने श्लोक नंबर 129 तक की चर्चा कर ली है, जिसके सारे वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। आप वहां पर जाइए और जाकर सभी वीडियोज को देखिए अध्ययन कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम श्लोक नंबर 130वें की चर्चा करेंगे, जिसमें महर्षि पाराशर ये कहते हैं कि 12वें घर का मालिक यदि तीसरे घर में बैठा हो तो वहां बैठ करके कैसा फल जातक को देता है, ठीक है। तो हम इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले आइए महर्षि पाराशर को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय में, ठीक है। कहते हैं कि व्यये से सहजे जातो भ्रातृ सौख्य विवर्जितः भवेद अन्य जनद्वेषी स्वशरीरस्य पोषकः। कहते हैं कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में 12वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हो तो ऐसा जातक अत्यंत स्वार्थी होता है, सहोदर भाइयों के सुख से रहित होता है और किसी को भी देख करके अत्यंत घृणा और द्वेष करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसे केवल अपने शरीर के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, अपने शरीर का ही पोषक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली में यदि किसी भी तरह के अरिष्ट को देख रहे हैं या परेशानियों को देख रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर हमारे YouTube पर आइए और किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क परामर्श दे देंगे, ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।